हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं लिकर्ट्स की सेल्स मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि एक सेल्स मैनेजमेंट की थ्योरी है, जहाँ पे सेल्स पर्सन्स को जो है कैसे हैंडल किया जा सकता है, जिनसे उनका और बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, उसके बारे में बात की जाती है। तो लिकर्ट्स 1961 की ये बेस्ड थ्योरी है, जो कि उन्होंने अपनी एक रिसर्च से की थी। और ये रिसर्च किस बात पर थी? ये रिसर्च थी वो सेल्स मैनेजमेंट के मोटिवेशन को लेकर के, कि उनका मोटिवेशन को स्पेसिफिकली देखा जाए, उनके मोटिवेशन को देख करके उन्होंने ये थ्योरी जो है वो डेवलप की। हिज रिसर्च रिलेटेड डिफरिंग कैरेक्टर्स एंड स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन्स टू परफॉर्मेंस। उन्होंने क्या रिसर्च किया? उन्होंने ये देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल है सुपरवाइज करने के, उनकी परफॉर्मेंस को जो है उन्होंने लिंक करके देखा। मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे लेट सपोज एक पर्सन है जो सेल्स मैनेजमेंट है, जो कि चीज़ें देख रहा है, अपने सेल्स पर्सन को हैंडल कर रहा है, अब उस व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है, उस व्यक्ति का जो स्टाइल है, उस सुपरवाइजर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे जो है सेल्स पर्सन के परफॉर्मेंस पे आपका इफेक्ट करेगा, इस बात को जो है देखा गया। वन ऑफ द हाइपोथेसिस ही टेस्टेड वाज दैट द सेल्स मैनेजर ऑन बिहेवियर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। उनके जो हाइपोथेसिस थे, हाइपोथेसिस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो पहले एक हाइपोथेसिस बना लेता है, यानी एक आपका जो है स्टेटमेंट बना लेता है कि इस रिसर्च से शायद ये निकल के आ सकता है। तो वो एक रिसर्च का एक आपका कह सकते हो कि लाइन या फिर कंक्लूजन पहले से सोच के चलता है, और फिर उसके ऊपर वर्क करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है और देखता है कि उसका हाइपोथेसिस कितना सच है। तो यहाँ पे उन्होंने जो हाइपोथेसिस लिया था, वो उन्होंने लिया था और टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि जो सेल्स मैनेजर हैं, उनके खुद का जो बिहेवियर है, उनके खुद का जो तरीका है काम कराने का, वो कैसे जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। लेट सपोज यहाँ पे दो सेल्स मैनेजर है, एक बहुत लूलू टाइप का है, लूलू टाइप मतलब क्या हो रहा है, काम जैसे हो रहा है चलने दो, तो अदर वन इज़ वेरी एनर्जेटिक, वो आएगा, बात करेगा आपके साथ, डिस्कस करेगा कि हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ तक जो है सिचुएशन पहुँची, कितने सेल्स आपकी हो गई हैं, क्या टारगेट कंप्लीट हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस तरीके के जो दो अलग अलग सेल्स मैनेजर हैं, दोनों का अलग अलग जो है यहाँ पे बिहेवियर है, और उन दोनों के बिहेवियर के थ्रू ही जो है एक अलग स्टैंडर्ड जो है बन जाता है। तो यही बात उन्होंने बोली कि जो सेल्स मैनेजर हो, उनके खुद का जो बिहेवियर है वो एक अलग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है, विच इन देम सेल्फ विल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन। की वजह से क्या होगा, जो बिहेवियर है दूसरे सेल्स पर्सन का वो इफेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर मैनेजर ठीक से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, एनर्जेटिक है, तो सेल्स पर्सन भी क्या रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और देखेंगे कि कैसे हम और बेटर परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। तो उन्होंने फाउंड किया कि ये जो है यहाँ पे एक लिंक होता है, यानी पहले उन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस बनाया था, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला हाँ ये लिंक होता है, सेल्स पर्सन और सेल्स मैनेजर का जो बिहेवियर है उसमें एक लिंक बन जाता है। पड़ोसियों के बच्चे इतने रो रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब क्यों सुबह सुबह चलो ठीक है। हाई परफॉर्मिंग सेल्स टर्म्स जो है यूजुअली हैड सेल्स मैनेजर हु देमसेल्फ हैड हाई परफॉर्मेंस कॉल्स। जो हाई परफॉर्मिंग सेल्स टीम होती है, जो टीम है जो कि हाई परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म करती है, यूजुअली उनके जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो खुद भी जो है काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कॉल वाले होते हैं। दो अल्टरनेटिव स्टाइल्स जो थे वो यहाँ पे ऑल्सो कंपेयर किए गए। पहला जो स्टाइल था वो इस तरीके से था कि आप सेल्स मैनेजर्स के बीच में ज़्यादा जो है बातचीत ना होने दो, यानी सेल्स मैनेजर जो है वो क्या करता है, सेल्स पीपल जो है, सेल्स पर्सन जो है, उनके बीच में ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं होने देते, थोड़ा सा ही इंट्रैक्शन होने देते हैं। और दूसरा मेथड यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे स्टाइल कंपेयर किया, वो ये था कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो सेल्स मैनेज सेल्स पीपल है उन सबके बीच में एक अच्छा खासा ग्रुप है यानी कि डिस्कशन है, यहाँ पे उनके अच्छी खासी बातचीत हो रही है। तो ये दो मेथड उन्होंने कंपेयर भी किए। सबसे पहले सेल्स मैनेजर जो कि यूज टू ग्रुप मेथड ऑफ लीडिंग सेल्स मीटिंग, यहाँ पे क्या है, पहला मेथड है जहां पे जो सेल्स मैनेजर है वो ग्रुप मेथड को यूज करता है, ग्रुप मेथड यूज करता है ताकि जो है उनका सेल्स मीटिंग में वो लीड कर सके और इंकरेज कर सके अपनी पूरी टीम को, साथ ही साथ जो है सेल्स प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हो सके जो भी उनके फील्ड में अराइज हुई है, यानी जो उनका प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं वो एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर सके और टीम में भी डिस्कस कर सके। एंड टू लर्न फ्रॉम वन टू अनदर सेल्स मैनेजर हु मोनोपोलाइज्ड द मीटिंग एज एन अपॉर्चुनिटी टू लेक्चर देम रेदर देन टू स्टिमुलेट डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा ग्रुप मीटिंग मेथड बन जाता है जहाँ पे ये सेल्स मैनेजर होता है और बाकी सारे सेल्स टीम होती है, एंड यहाँ पे ग्रुप में आकर के मीटिंग्स की जाती हैं, यहाँ पे जो है अपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो डिस्कस किए जाते हैं, एक ग्रुप पर्सन दूसरा ग्रुप पर्सन यानी कि सेल्स मैनेजर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि मीटिंग करके आप डिस्कशन कर सको, ना कि
यहाँ पे सिर्फ एक मीटिंग करके लेक्चर देने को एक आप कह सकते हो कि प्रेफर किया जाता है, तो यहाँ पे जो है डिस्कशन को स्टिमुलेट किया जाता है, डिस्कशन के बारे में बात की जाती है। अब इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि हो सकता है एक सेल्स पर्सन को जो इस बार प्रॉब्लम आई है वो ऑलरेडी किसी और सेल्स पर्सन को पहले आ चुकी है, तो वो उसको बता सकता है कि लुक ये मैंने भी फेस किया था, तुम इसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे एक ग्रुप में बन करके अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बन सकती है। दूसरा जो इन्होंने एक कंपेयर किया वो था दूसरा मॉडल, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे एक लिटिल मतलब थोड़ा सा ही इंट्रैक्शन दिया गया था सेल्स पर्सन के बीच में, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे सेल्स मैनेजर आता है, डिस्कस खुद अपनी बात करता है, चीज़ें देखता है और चला जाता है, सेल्समैन के बीच में ज़्यादा जो है यहाँ पे बात नहीं होने देता। सो इट इज़ लाइकली दैट अ प्रॉब्लम फेस बाय वन सेल्स पर्सन बीन मैच प्रीवियसली बाय अनदर हु हैव फाउंड अ वे ऑफ ओवरकमिंग इट। तो ये आपका ग्रुप मेथड क्या है कि भाई एक पर्सन को जो प्रॉब्लम आई है हो सकता है वो दूसरे को भी आई होगी, तो उसके साथ पॉसिबली उसने क्या किया क्या नहीं किया प्रीवियसली, तो वो उसको बता सकता है। द मेयर ऑफ्टन स्टाइल ऑफ मीटिंग अनेबल द सेल्स मैनेजर्स टू गेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द सेल्स फोर्स। और इस तरीके की जो आपकी ओपन स्टाइल है, यानी कि जहाँ पे सब डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसी जगह पे अच्छा गेन एक मिल सकता है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, साथ ही साथ क्या सेल्स फोर्स की प्रॉब्लम्स एंड नीड्स है उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। ग्रुप मेथड जो है वो प्रमोट करता है फीलिंग एक ग्रुप लॉयल्टी को लेकर के, कि भाई ग्रुप की लॉयल्टी बनी रहे और साथ ही साथ जो है कॉर्पोरेशन का एक स्पिरिट बना रहे साथ में मिलकर काम करने का। सजेस्ट दैट टू प्रोड्यूस अ हाईली मोटिवेटेड सेल्स फोर्स द सेल्स मैनेजर हिमसेल्फ सेल्फ शुड हैव हाई परफॉर्मेंस गोल एंड इंकरेज एनालिसिस एंड डिस्कशन ऑफ सेल्स पीपल परफॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम्स थ्रू द ग्रुप मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सेल्स मीटिंग। बट इट मीन्स इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस आपका थ्योरी, इन्होंने कहा, ये बाद में सजेस्ट किया गया, या कह सकते हो कंक्लूजन निकाला गया कि जो एक सेल्स टीम है उसका जो सेल्स मैनेजर है उसके खुद के भी परफॉर्मेंस जो गोल्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई होने चाहिए, एज वेल एज वो जो है ग्रुप मेथड्स को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ग्रुप मेथड्स को प्रमोट करने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं कि सब लोग मिलकर के डिस्कशन कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं फील्ड पे उसके बारे में जो है एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम फेस कैसे करनी है उनके बारे में भी अच्छे से सीख सकते हैं और एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन से अच्छे आइडियाज़ भी ला सकते हैं। तो एट द एंड इनका ये एक कंक्लूजन इस थ्योरी से निकल के आया। So that's it for today guys, let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health.